हम बढ़ेंगे आज के पहले मजेदार किस्म के गेस्ट पे आज भी हमारा प्रोग्राम जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम आ, है हम जो ऑनट्रोप्रोरियलोसिस्टम पर बात करेंगे स्पेशली फॉर वुमेन इन मार्जिनलाइज सेगमेंट्स लेकिन उससे पहले जनाब हमें आज ज्वाइन किया स्टूडियोज में शबीर हुसैन ने जो कि एक आ, पी आर मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक ओ आई सी जो सी है वो थोड़ा सा फंस गया है उसकी हम आपको क्लैरिफिकेशन अभी लेकर के देते हैं बट इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जनाब कॉम कॉम्स्टेक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपोशन सी बाहर आ गया तो जनाब इसके वो हैं लेकिन इनकी बड़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरीज़ है जैसे कि हम आ, कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवस्त से उन लोगों की मुलाकात आपसे करवाएं जो अपनी जिंदगी के हीरो हैं जिन्होंने अपने बल बोते पे अपनी जिंदगी को बदला है अपनी तकदीर को बदला है और तकदीर आपकी अपने हाथ में होती है आज जनाब इसकी जिंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है वेलकम करते हैं जनाब शब्बीर हुसैन को शब्बीर जी असला थैंक यू सो मच फॉर सब पाकिस्तान कैसे हैं आप आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप अपने ऐसी स्टोरी से पर्दा उठाने का सोचा हुआ है जो आप बता रही हैं सो so... बाकी ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। नहीं नहीं है जबरदस्त देखिए आप लोग जो है ना आप जैसे नौजवान शबिर एक उम्मीद पैदा करते हैं उन लोगों के लिए उन तमाम नौजवानों के लिए जो मायूस हो जाते हैं जो जिंदगी से मायूस हैं हालात से मायूस हैं यू नो अपने अतराफ में होते वाक्यात से मायूस हैं तो यू नो आप जैसे लोग आपकी अचीवमेंट सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका ताल्लुक एक बहुत बैकवर्ड गाँव से है वहाँ से उठना और उसके बाद फिर आपने जो है इतनी अच्छी सी डिग्री लेना इतनी अच्छी से पढ़ाई करना और अपनी तकदीर आप पैदा करना यू you नो know, कैसे पॉसिबल हुआ ये सब देखें ये तो पैशन हर शख्स में होता है अब हुँ. ये उसके ऊपर है कि उस अपने पैशन को संभालता कब है वो? कब उसको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ मतलब ये जब हम ये तकसीम करते हैं ना कि फ़लां शख्स की ये स्टोरी है फ़लां शख्स की ये स्टोरी है एक्चुअली स्टोरी सबकी होती है उसको पॉलिश कैसे वो करते हैं किस टाइम पे करते हैं ये डिपेंड करता है कि उनकी तरजीहत क्या हैं क्या प्रॉल्टीज़ हैं उनकी सो so, मेरी तो डे वन से प्रॉल्टी थी कि मैंने यहाँ से जाना है बाहर और इस्लामाबाद गांव था आपका मेरा गांव है जी टू एट थ्री एच आर तहसील फोर्ट आबास डिस्ट्रिक्ट नगर दे लास्ट तहसील ऑफ पंजाब आफ्टर दैट राजस्थान इंडियन बॉर्डर देयर सो so, hmm. मेरा गाँव भी जो है वो डेजर्ट में ही है और जिस तरह आप देखते हैं अक्सर उका चोलिस्तान के जो वीडियोज़ आप देखते हैं तो सो आई बिलोंग फ्राम देयर तो बहुत uh, बैकवर्ड है लेकिन अब चूँकि तो नए ज़माना आ गया है नई चीज़ें उसमें आना शुरू हो गई हैं लोगों को भी थोड़ा बहुत शोर आना शुरू हो गया है सो so, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र एक ज़रूर था लेकिन पूरा हो गया है कि इस्लाम आबाद की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आना यहाँ से फिर डिग्री लेना और उसके बाद एक अच्छी जगह पर एक रिस्पेक्टेबल जॉब पर आना और फिर उसमें पी आर की जॉब करना सो डेट वॉज एक्चुअली ये मेरी इमोशन शुरू से थे शुरू से मैं ये चीज़ें अपने दिल के अंदर लेके बैठा होता था ख्याली पलाव पकाता था रोज़ाना बैठ के अपनी उसमें पीटीवी उस, पी उस वक्त होता था तो मैं जिसी यूनिवर्सिटी के ड्रामे देखता था वहाँ पे चलते थे तो मैं कहता था अच्छा कभी ऐसा भी होगा कि मैं भी हॉस्टल में रह रहा मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँगा मैं भी वहाँ पर जीन्स पहन के फिर रहा मतलब सब ये बातें मुझे टेंथ क्लास में मेरे माइंड में आती थी अच्छा मैं कहता था अच्छा ये कैसे पॉसिबल होगा मतलब कैसे मैं जाऊँगा मुझे गाइड करने वाला कौन होगा कैसे को मुझे बताएगा कि यूनिवर्सिटी में आपने जाना है कौन कैसे मुझे फीस देगा और मैं कैसे घर वालों को मनाऊंगा इस बात पे राज़ी करूंगा क्योंकि okay, मेरे घर वाले भी कहते थे कि मतलब आप यहाँ तक पढ़ लें इंटरमीडिएट तक और आगे आप ना जाएं क्योंकि okay, बहुत सारे आप जैसे लोग जो हमारे यहाँ जो नौजवान थे एक्चुअली वो आप समझती हैं कि टेंथ तक पढ़ने के बाद वो कहते कि जी जो गाय है उसके रेवड़ के बकरियों के चराए आप बन जाएँ hmm. तो मेरे घर वाले भी कहते थे कि आखिर में आपने करना तो यही है तो वाई नाट अभी से आप करें और ये हाथ में एक उसका हम पंजाबी में सोटी कहते हैं वो डंडा होता है तो आप ये पकड़े और गाय का एक रेवड़ लेके आप चले जाएँ आपने मैंने कहा नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा मुझे मुझे पढ़ना है तो अलहमद लाला मैंने मैं बड़ा अच्छा था डिबेटर भी था शुरू में सोशल वर्कर भी था उसके बाद मेरी पीआर शुरू से बहुत अच्छी थी लेकिन मैं कहता था ये सब कुछ तो है लेकिन अब मौक़े कैसे पैदा करेंगे भाई कैसे अम्मा को मनाएंगे अम्मा मेरी अम्मा मेरी अम्मा मेरी को ये था कि इसने पढ़ना है सही वाले साहब हौसला भी चाहिए ना कि बेटे को अपने हाँ। से दूर भेजना वो फिर मैट्रिक तक तो सफर अच्छा गया उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में मैं आ गया कॉलेज में वहाँ पे भी मैंने अच्छे मार्क्स लिए अब यहाँ से अगला जो मरला था वो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट था घर वाले कहते थे कि नहीं जी इसमें अभी आपको नहीं जाने देना अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं लाहौर गया वहाँ से दो साल की मैंने डिग्री की फिर यूनिवर्सिटी में आना एक बहुत बड़ा ख्वाब था टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं मास्टर में ख़ास तौर पे और मेरा वहाँ पे जो ख्वाब था वो पूरा हुआ और फिर इस यूनिवर्सिटी में रह के जो मैंने अपना अलहमद एक नाम पैदा किया है वहाँ पे सोशल में स्टूडेंट एक्टिविज़म में सोशल एक्टिविटीज़ में सोसाइटीज़ कल्चर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सब में एक समझ लें कि एक लिस्ट मौजूद है बहुत अच्छी सो ये एक एक यादगार जर्नी था इसकी डिटेल में जाएंगे अच्छा, तो आपने <laughs> मुझे कहा कि मैं देखता रहता था मैं सोचता रहता था मैं ख्वाब देखता रहता था तो ये वो ख्वाब हैं जिनके बारे में कहता है कि आप जागते में देखो जी जी जी, जी ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें जी 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 वो ख्वाब नहीं होते जो आप सोते में देखो ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है मैं तो सारा दिन यही सोचता था खाली लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा जैसे हमारे जो यहाँ के लोकल नौजवान है मायूस नजर आते हैं आ, वो यही कहते हैं कि जी रेफरेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं अगर आपका रेफरेंस नहीं हो तो फिर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती आप कंसिडर नहीं किए जा सकते तो आपने किस तरीके से अपने अपने ऊपर इतना यकीन कैसे आया आपको देखिए एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि रेफरेंस नीड है वक्त की अब मैंने ऊपर पूरा कॉलम लिखा था नॉट योर सिफारिश रेफरेंस मीन दिस पर्सन नोज यू ये बंदा आपको जानता है इस और जानता आपके काम, काम को की वजह हाँ, से ये नहीं कि मैं आपको ये गारंटी या, या आपका आपका है। है। दे फला जगह पे की अगर आप इस शख्स को रख रहे हैं और ये आपके क्राइटेरिया को पूरा करके आपकी जॉब आपके कंपनी में आ गया है तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको मायूस नहीं करेगा ये बहुत जरूरी है ये मैंने शुरू दिन से बनाए हैं अपने रेफरेंसेस बनाए हैं मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में था अगर आप यूनिवर्सिटी में रह के देखे यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अच्छी पेंट कोट पहनना आ गई है आपका 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 वैसे वो भी भी था था एक एक मकसद शुरू में बट यू 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 नो नो व्हाट ये शौक होता है कि लुक अप टू थिंग्स लोग आपको देखे लोग आपको फॉलो करें वहां पे ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में गए और आपने बालों का स्टाइल बनाना शुरू कर दिया आपने कहा जी मेरी तो बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हो गई है यूनिवर्सिटी का उसके साथ अपने अंदर ट्रेड्स भी पैदा करने आप भी ग्रेश ग्रेश पैदा करें लोग देखें दो चीजें है ना या तो कोई स्टूडेंट या नौजवान पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है वो बड़ा ऑफिसर बनेगा वो सी करेगा वो पी करेगा या कोई दूसरी जॉब करेगा या वो अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो फिर वो किस चीज में अच्छा है दो चीजें है ना किसी एक चीज में तो आपको अच्छा होना पड़ेगा या आपकी स्टडीज में कि आपके फोर बाई फोर आपका सी जी पी आ रहा है या आपका कोई वर्क है आपकी कोई काबिलियत है आप अच्छे म्यूजिक बजाते हैं आप अच्छा गाना गाते हैं आप अच्छे डिबेटर हैं मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप अच्छे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत दो चीज़ें हैं ना हुँ. तो आप किस चीज़ में अच्छे? अगर आप दोनों चीज़ों में नहीं अच्छे हैं और सिर्फ हुँ. आप पहनने में अच्छा तो इट्स मीन यू आर वेस्टिंग यूर टाइम

तो वो शेर आपको याद है तो सुना हाँ, दे। बस उसमें हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ ऊपर नीचे हो जो जैसे कि सी मेरा अटक गया था आ, ना वैसे आपका भी शेर अटक आ, लेकिन जो, जो ये है इनकी राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी।, दी तो मंजिलें तो हमेशा ऐसे लोगों को वेलकम करती हैं जिनको ट्रस्ट होता है और मैं ये मानता हूँ की हर शख्स में टैलेंट है हर शख्स में आगे बढ़ने की हिम्मत है

अल्लाह आजकल मुझे नहीं पता कि वो मतलब कहाँ पे जॉब कर रहे हैं बट मैं टॉपर नहीं था क्लास का मैं कायदा यूनिवर्सिटी मैं थ्रू आउट बहुत अच्छा स्टूडेंट था लेकिन यूनिवर्सिटी में आके मैंने किताबों को हाथ सिर्फ इतना लगाया कि मैं पास हो जाऊँ बट एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी जो काबिलियत है उसको यूज़ किया है मुझे यकीन था कि अगर मैं कहीं पर कामयाब ना हुआ तो मैं अपना काम जरूर कर लूँगा

कोई ऐसा बंदा नहीं था कि टू होम यू तो वो मेंटोरशिप को मैंने पैदा किया मैंने इधर खुद मेंटोर बन गए अपने आप का भी मैं बना लेकर मैंने सीखा भी है इधर मुझे जहां से मुझे पता चलता था कि फलाम बंदे के पास कुछ है बताने को मैं उसके साथ दोस्ती कर लेता था मैं उसके साथ बैठता था जब उसको यकीन होता था कि यार ये बंदा कुछ सीखने के लिए आया है तो वो मुझे सिखाता था वो मुझे इग्नोर भी करता था तो मैं वहां से क्यों वो कहते हैं ना प्यासा बैठता है प्यासों को प्यास होती है अभी ये मेरी मंजिल नहीं है आई हैव टू गो एल्स मुझे अभी आगे निकलना है अभी तो मतलब मेरी एज ट्वेंटी फाइव ईयर तो अभी साल पड़े हुए हैं जिंदगी के कैसे हमने नेशन को जो है वो अपने hmm. पीछे वाले लोगों को हमने

एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जी आप आपका इससे कनेक्शन कैसे बना और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे मेरी डिग्री हिस्ट्री में है और मेरा डे वन से जो था वो पीआर में बहुत ज्यादा था मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स जो होते हैं कॉन्फ्रेंस होती हैं कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं तो उसको कौन अरेंज करेगा जी शबीर अरेंज करेगा okay. जना इस पे ड्यूटीज कौन लगाएगा जी शबीर लगाएगा जी फूलों का बंदोबस्त कौन करेगा जी शबीर करेगा सो so इट ये मेरा डे वन सिद्ध तो मेरा ख्वाब था कि मैं किसी ऐसी जगह पे मुझे अल्लाह पाक जॉब दे एक तो होता ना कि आप सरकारी अफसर लग गए ग्रेड के हाँ, तो आप कंफर्ट कंफर्ट जोन जोन में आ काम हैं पक्की नौकरी आप काम कर रहे हैं काम में बैठे हुए हैं तनख्वाह आपको मिल रही है अब इतनी बड़ी कंट्रीज़ के लिए जॉब करना पाकिस्तान में दो चीज़ों से पॉसिबल एक तो आप सी करें और फ़ॉर ऑफिस में आप चले जाएँ या दूसरा ये है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इतने सारे ममालिक में काम करें फर्स्ट ऑप्शन था कि यू अब यू पाकिस्तान में उनके ऑफिसज़ तो हैं फिर पता चला किसी मैंटोर से मुझे कि जी यहाँ पे एक ऐसी ऐसा इदारा है स्टैंडिंग बॉडी है वो ऐसी स्टैंडिंग बॉडी इज़ हायर

प्रेजिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान इसके चेयरमैन है तो मेरा ये ख्वाब था कि यार 57 सेवन कंट्रीज़ के लिए काम करूंगा अपनी पी आर को यूज़ करूंगा अब नॉम वर्किंग एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर दे आर आल्सो डीलिंग पब्लिक रिलेशनिंग तो जो भी ओवेसी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हायर एजुकेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की हेल्थ केयर की उसकी पूरी प्रेस रिलीजेज है उसकी मीडिया कवरेज है उसको एम्बेसीज को भिजवाना है फिर उसको ट्विटर पे लगाना है फिर उसको टैग करवाना है फिर उसको शेयर करवाना है

कामयाबी की बात कर रहे थे ना आपने शुरू में कहा कि हम आज ने एक एक नई स्टोरी को अनफोल्ड कर रहे हैं तो ऐसी स्टोरीज को सपोर्ट का हमने हमने करना है कामयाबी क्या है हमारे यहाँ कामयाबी का पैरामीटर ये है एक शख्स आया यूनिवर्सिटी में पढ़ा डिग्री मुकम्मल की देन वो आ, बड़ा शादी हो एच्छी सी, एच्छी सी, अच्छी गाड़ी मिल गई जॉब तो 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 उसकी सक्सेस स्टोरी है जी आजकल हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये है कि जी मुकाबले के इम्तिहान में किसने अच्छी पोजिशन ली है ये फला जगह पे क्या देखें आप कामयाबी के आपको पैरामीटर्स चेंज करने होंगे जो शख्स जिस फील्ड के अंदर काम करके अपना लोहा मनवाता है हमारे लिए वो कामयाब है जबरदस्त शबीर अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से न्यूज ब्रेक का जनाब खबरों से बाखबर रहना भी बहुत जरूरी है वैसे भी यहां पर तो पल भर में एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आ जाते हैं तो चलते हैं जनाब न्यूज हेडलाइंस की तरफ और वापस आते हैं शबीर से गुफ्तू का सिलसिला जारी रखते हैं वेलकम बैक जयसुब्बुर पाकिस्तान एक बार फिर आपको खुश आमदेद और बात हो रही थी जनाब मज़ेदार किस्म की शब्बीर से क्योंकि कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा अच्छा शबीर ये मुझे बताइए कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करें इतनी मोटिवेटेड किस्म की बातें कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जिंदगी में कभी मायूसी भी हुई बिकॉज यू नो वॉट ये जो डिसपॉइंटमेंट होती है हार्ट ब्रेक होता है दिल का टूटना होता है ये एक इंसान के नेचुरल ट्रेट्स हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी बात किसी का कोई कहा हुआ जुमला Uh, you know, जब आपने इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे तो आपने कहा कि लोगों ने भी आप पे यकीन नहीं किया और लोगों ने भी बातें की आपको कि यार करना तो यही है कैसे डील करते हैं ऐसे मौके पे जब आप बिल्कुल डाउन होते हैं और आपकी हिम्मत इतनी नहीं रहती इंटैक्ट देखे ये जिस तरह का जो मौका होता है तो कोई भी जो यंग आदमी होता है उसके हुँ. लिए बड़ी तकलीफ बात होती है और उसका दिल करता है कि वो या तो अपने आप को कुछ चीज मार ले वो इधर किसी दूसरे को मार दे या फिर उसका दिल करता है कि अब मैं इस काम को छोड़ दूँ मेरे यहाँ थोड़ी सी पोजिशन मुख्तलिफ थी मेरे पे जब भी इस तरह कीमतियाँ और कई आए हैं एक नहीं है मतलब लॉट ऑफ इन यूनिवर्सिटी पूरे के पूरे जत्थे और पूरे के पूरे ग्रुप्स मेरे अगेंस्ट थे और कई बार ऐसा हो गया कि मुझे पता चल रहा था कि अच्छा जी वो आज आपको निकाल देंगे किसी इस पूरी गेम से आउट कर देंगे लेकिन हमेशा यकीन ये था कि अगर आप आप आपका काम ठीक है ना और आप ठीक हैं तो या नहीं तो फिर कहीं और से आपको आपकी मंजिल से दूर कोई नहीं कर सकता ये अल्लाह और आपका मामला है लोग आपके लिए रोड़े अटका सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपको गेम से निकालने की कोशिश कर सकते हैं आप ये समझे कि मैं यहाँ नहीं तो फिर कहीं और सही लेकिन मैं दूर नहीं हो सकता इस चीज़ से घबराना नहीं घबराना नहीं है ये वही सिचुएशन होती है कि आप अपने अल्लाह के आप को तवक्ल होना चाहिए यकीन जो है ना ये सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी क्या बात आप कहेंगे जो मैं सुन ले वो तमाम लोग जो कहते हैं कि अगर मगर और इस तरह की बातें करते हैं यकीन का कामिल होना जो है ना वो कामयाबी की कुंजी कुंजियों में से वैसे बहुत सारी कुंजिया होती है एक कुंजी नहीं है इट्स अ मिक्स ब्लेंड ऑफ सो मेनी बो मनी पहले जी मेरे ख्याल से तो ताले की कुंजी ये है तवक्कुल हां जी मैं कर लूंगा अच्छा शबीर हमारे पास वक्त बहुत महदूद है मैं चाहूंगी कि जाते जाते थोड़ा सा नजरसानी करें बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी आप यूथ के साथ रहे हैं आपने खुद बड़ी आपकी माशाला इंस्पायरिंग स्टोरी है आजकल के यूथ का क्या डायमेंशन देखते हैं क्या उसके मसाइल हैं बिकॉज मुझे ऐसे लगता है बहुत कम वर्क में बहुत ज्यादा की ख्वाहिश किए बैठे हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार जी जी है। जी जी, जी। शॉर्टकट है उसमें उसके बाद ट्रेंड्स को फॉलो करना है हम दूसरे लोगों को देखते हुए उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं मैं हमेशा यूथ को ये कहता हूँ कि आप ट्रेंड को फॉलो ना करें भाई जो आप है ना वो आप है वो आप आप अपने के खुद जिम्मेदार हैं सबसे पहले आप अपने आप की इज्जत करना सीखिए कि आप अपनी नजरों में इम्पोर्टेंट हो जाए जब आप ये कहते हैं कि मेरी तो कोई मोटस नहीं है Hmm. तो जब आपकी इज्जत नफ्स आपकी नजरों में नहीं है तो दूसरा आपकी कोई नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कि आप क्या हैं अपने आप को ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करें जो है टूट तो फटा हुआ जूता है तो उसको से पहने. Lovely. और से लवली और पहन के जाएं? मतलब मार्केट है? में जाए कोई मसला नहीं है मेरे पास जब, है? जब नहीं थे तो नहीं थे मतलब मैं बड़े धड़ल्ले से चलता था कायद यूनिवर्सिटी में मेरे पास कैं चप्पल होती थी बाजू का मैं पहन के चलता था लोग मुझे कहते थे ये देखो यार ये चुआ जा रहा है ये फलाना उस वक्त मतलब मेरी थोड़ी सेहत कमजोर थी बट आई हैव टू मैंने किया सब कुछ सबके सामने किया मैंने कभी भी वो नहीं हुआ तो ये जो तो डिप्रेशन की एक वजह यही है कि ना आप लोगों को फॉलो अच्छी बात की अपनी शबीर में चाहूंगी जाते जाते वो लोग जो आपको देख रहे हैं उनको कुछ पैगाम दे दें पैगाम तो मेरा बस यही है कि जहाँ रहें खुश रहें और कभी भी अपने जो फैमिलीज मेरी बात को सुन रही हैं अपने मर्द को सपोर्ट करना सीखी अपने बच्चों को सपोर्ट करना सीखी अपने बच्चों को आप उनको गेम से ना निकालें उनको ये ना बताएं कि बेटा, बेटा अगर आप ये चीज नहीं बने तो आपका रिश्ता नहीं होगा ये नहीं होगा लड़की आपको नहीं मिलेगी नहीं आपका बेटा आपने लड़कियों को मिस कर दिया बीच में वैसे मर्द और बच्चों की बात की लेकिन जो फीमेल है ना उनको आपने उनके लिए कोई मैसेज नहीं आ, दिया उसको आपने चॉइस में छोड़ फीमेल दिया। के लिए मैसेज यही है कि आप भी सब्र का मुजाहरा करें और अपने मर्द को सपोर्ट करना सीखे उसके जिम्मे ये मत लगाएंगे आपको ये जॉब मिलेगी तो मैं आपसे शादी करूंगा भाई वो जो भी है ना उसको मेरे ख्याल से अभी शादी से ज्यादा और बहुत सारे मकासद हैं जो जी, जी, आज जी, की नौजवान नस्ल हैं जिसको हमें सोचना चाहिए खातिन के भी बहुत सारे गोल्स हैं मर्दों के भी बहुत सारे गोल्स हैं और दोनों को अपने गोल्स भी करना चाहिए। और एक अल्टीमेट गोल ना फीमेल का ना मेल का ये होना चाहिए कि जी शादी हो जाएगी बिकॉज दैट हाउ वी कैन जब हम डाइवर्सिटी इनक्लूजन की बात करते हैं तो तभी होगा जब हम उस फिफ्टी वन परसेंट को विच इज फीमेल उनको भी हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इसके साथ जनाती जनाब वक्त जाता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का क्योंकि ब्रेक के बाद आने वाले हमारे पास दो